परिवार का पुराना जर्जर महल। सामने एक दरिया बहता हुआ। दरिया के दोनों ओर लाल और काले चीटे चीटियां बसे हुए। लाल बूढ़ा पत्ते पर इस ढंग से लेटा हुआ है कि किसी की उस पर नजर ना पड़े, कोई उसकी करतूत देख ना ले। काली बहू जब घाट किनारे पानी भरने आती है, लाल बूढ़ा उसे छिप छिप कर निहारता रहता है। लगता है आज काली बहू घाट पर देर से आएगी। छनन छनन छम छम छनन छनन बाजे रे हाथ में कंगन हाए आहा वो रूप की रानी जान से प्यारी जानी काली बहु जल लेने को आए नैनो से बान चलाए घायल कर रे तन मन छम छम छनन छनन छम छम छनन छनन बाजे रे हाथ में कंगन हाए मारे वो जैसे हो चलती छुरी गालों से पूरी वो जादू भरी काटे वो मारे वो जैसे हो चलती छुरी गालों से पूरी वो जादू भरी फूलों की कांटों की बगिया वो हरी भरी छम छम छनन छनन छम छम छनन छनन बाजे रे हाथ में कंगन हाए आह वो रूप की रानी जान से प्यारी जानी काली बहु चल लेने को आए नैनों से बांध चलाए घायल कर रे तन मन क्या कोई जिए या मरे देखूं मैं उसको जो दिल मेरा धक धक करे जानना उसको क्या कोई जिए या मरे वो चले इस तरह हर कोई आहे भरे छम छम छनन छनन छम छम छनन छनन बाजे रे हाथ में कंगन हाए आह वो रूप की रानी जान से प्यारी जानी काली बहु जल लेने को आए बुढ़े ने भले ही ये सोच लिया हो कि उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन घाट किनारे की दूसरी तरफ से आवारा लाल छोकरों का दल दूर से ही उसकी हरकतें देख रहे हैं और मन ही मन कोई शरारत रच रहे हैं। सो गया है, रुक 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 रुक, अब मजा आएगा, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ, घाट मार रहा हूँ, घाट मार रहा हूँ। ला लो गोटी दे, गोटी दे ले। हाँ, उसे मार। फिर से तुम लोग ना समझते नहीं हो, तुम ही ना यार समझता नहीं, ऐसा है कि पास जाके उसके मार रहा, दूर से क्यों ताते तो पे बना हुआ है। फिर से बहुत तो घाट तक पहुंच गई। अब एक और गोटी दे, अब देख तू कौन है। once more
बुढ़ा गिरा ब्लैक ब्यूटी पर। आप देख महाभारत शुरू। काली बहू, मैं तो जानबूझ मर गई। बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत, जानबूझकर मेरी मटकी तोड़ दे। रुक जा, दाढ़ी जार देखता रहे। रानी माँ से कहकर मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, बस तू देखता रहे। मेरी सुंदर मटकी तोड़ दे। चल 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 चल, भाग चलते इससे पहले कि कोई देख ले। जल्दी चल, जल्दी चल, भाग 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 ले जल्दी। बुड्ढे खुशन, तुम्हारे दोनों पैर एक तो कब्र में लटके हैं और तू मेरे ऊपर हाथ पड़ा। बेशरम मेरी मटकी। क्या हुआ, जाओ। अरे बता तो सही, रो क्यों रही है? रानी माँ, अरे दुकड़ प्रथम बड़े में तुझे निश कोसला मुंह क्या सुख अनुभला लू। अरे मिला बस हमिला, उसने मेरी मटकी तोड़ दी। हम ना हम घाट पर अकेली थी। अरे कौन है वहाँ? द्वारपाल को पेश किया जाए। आज मैं कोई आर पार का फैसला करके ही दम लूंगी। क्या कीजिए रानी माँ। जल्दी जाओ और महाराज को विस्तार से बयान करो। उनसे कहो मैं अपनी खास सहेली की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ। जो आज्ञा रानी माँ। इतनी हिम्मत? अरे बाप रे, कितना दुख रहा है। नौटंकी। जियो जियो स्टार जियो, जीते रहो। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। वाह उस्ताद वाह, जियो जीते रहो। बहुत खूब बहुत खूब। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज वो क्या है, लाल बड़ों ने काली बहू को, अरे क्या तमाशा है। अच्छी बात है। तू क्या, क्या बात। रानी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ये कहने के लिए कि अरे महाराज। हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाद ठीक हो जाएगा। अरे महाराज, रानी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। अब सुनिए तो सही, क्या तमाशे में फंसे हैं। रानी माँ ने भेजा है लाल बुढ़ों ने। क्या बहादुर लड़की है। अब कैसे समझाऊं महाराज, लाल बुढ़ों ने मटकी तोड़ दी। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अरे महाराज, मेरी तो श्यामत आ गई। यहाँ भी मुसीबत, वहाँ भी मुसीबत, मैं क्या करूँ। बहुत खूब बहुत खूब। बात ये है ना रानी माँ। अच्छा चलो तो मैं भी तो देखूं बाजरा क्या है। क्या बात है माताश्री, इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही हैं? हाय मऊआ, तुम्हें नहीं पता वो लाल खोसट बुड्ढा है ना, वो दाढ़ीदार बुड्ढा, वो मर्दूत सीधे सीधे मेरे बदन पर आकर कूद पड़ा। उसने मेरी मटकी तोड़ दी, मेरी बेइज्जती की। हम कितनी डर गई क्या बताऊं, हम ना घाट पर बिल्कुल अकेले थे। मामूली सी बात को इतनी तूल देने की क्या जरूरत है, और माँ आप भी ना इतनी जरा सी बात पर पिताश्री से शिकायत जड़ने दौड़ पड़ी। कृष्णा ये तू कैसी बातें कर रही है, काली बहू मेरी खास सखी है, उस मर्दूत ने उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की, तू कुछ जानती भी है? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी प्राण प्यारी सखी वो काली बहू कितनी नाटकबाज है ना, सब जानती हूँ।
तिल का ताड़ बनाने में बेजोड़। रानी माँ देखिए ना। ओफो कृष्णा, तुम भी ना हद करती हो। बड़ों की बातों में टांग अड़ाने को तुझसे किसने कहा? महाराज ने ही लाड दुलार करके तुझे सिर पर चढ़ा रखा है, बात बात में तू जुबान लड़ाने लगी है। चलिए ना रानी माँ। सच्ची ये काली बहू भी ना हद कर देती है, मेरी तो नाक में दम कर रखा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, इसकी कोई तुलना नहीं है, मिसाल बेमिसाल, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। इतनी सुंदर माला आपके लिए। ओ, तो ये बात है, है? ये तुम्हारे लिए। चुप। आपकी ये नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए, उस लाल बुड्ढे ने मेरी खास सहेली काली बहू की बेइज्जती की है, उसको घायल कर दिया है, कान में घुसी बात। आ? ये बात है उसकी, ये मजाल। मैं अभी कोतवाल को हुक्म देता हूँ बुड्ढे की लंबी दाढ़ी काट कर फौरन मेरे सामने पेश करे। अच्छा, तो आपने सिर्फ दाढ़ी काटने के लिए इतना बड़ा कोतवाल पाल रखा है? क्यों? ना, ये मेरा मतलब ये नहीं था। सुनिए, मतलब दाढ़ी काटने के लिए कोई नाई पाल लीजिए और कोतवाल को हुक्म दीजिए उस दड़ियल बुड्ढे का सिर कलम करके ले आए। अगर वो नाकाम रहा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, समझे? सुनो रानी, मेरी बात सुनो, ये जरा मुश्किल काम है ना। कुछ कहा आपने? उसका सिर चाहिए। क्या चाहिए? उसका सिर। लल्लू भागो, भागो, तेज भागो, कुतवाल आ रहा है, भागो, दद्दू भागो, कुतवाल आ रहा है, लाल दद्दू भागो, भागो। दद्दू भागो, काला कोतवाल आ रहा है, भागो दद्दू भागो, तुम्हारा सर काटने। मेरा चश्मा, मेरा लाली अनाज। अरे ये तो पकड़ा गया, अब इसका सर काट दिया जाएगा। क्या करूं? अब क्या करूं? जाओ वो ले आओ, उठाओ। ए छोकरो, लाल बुड्ढा कहाँ है बताओ? हम लोग तो नहीं जानते, लगता है कल तीर्थ को चला गया है। हाँ, बहुत दिन बुड्ढे को देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कि बुड्ढा कहाँ है। चलो बाबा, भला तो टली बच गए। वो क्या है रे? कौन सा बुड्ढा? वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं है, एक लंबी डोरी है। लंबी डोरी नहीं, दाढ़ी है, दाढ़ी, लाल बुढ़े की दाढ़ी। पागल है क्या? उठा, ऊपर उठा, उठा ना। मुझे नहीं, खोल उसको। क्या डांट रहे हैं चाचा? जल्दी कर, मेरी कमर में दर्द है ना। मैं ठीक करता हूँ तेरी कमर का दर्द। बुढ़ा, यही तो है, ये रहा लाल बुढ़ा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ए बुढ़े, चल बाहर निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। ले मार, चलो मेरा लाजी, भागो। अरे जल्दी चलो, चल भाग, दौड़ो जल्दी, मार, चलो।
जल्दी चलो चलो जोर से बात क्या है काले कोतवाल, तू लाल बूढ़े को कत्ल क्यों करना चाहता है? मेरे राजा का हुक्म है इस लाल बूढ़े का सिर काट कर ले जाना है, वरना राजा साहब मेरी गर्दन काट देंगे। महाराज, घुन आया है, आपके दर्शन की अनुमति चाहता है। कहाँ है? हाजिर करो उसे। आओ घुन, आओ, बताओ क्या खबर लाए हो। यूं की बात ये है जहां बना, आप तो सुखसेज पर आराम फरमा रहे हैं, उधर आपकी प्रजा की दुख दुर्दशा अब देखी नहीं जाती हुजूर आला। वो कैसे? इन काले चीटों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। मतलब? महाराज तो हर एक बात से बेखबर है। आज काले चीटे विजयोत्सव मना रहे हैं। विजयोत्सव? किस बात का विजयोत्सव? यूं की बात ये है साहिबे आलम, आपकी एक निरीह प्रजा, अरे वही लाल बूढ़ा, घाट पर उसका पैर फिसल गया, जो गिर पड़ा बेचारा, उस वक्त काली रानी की एक सहेली घाट पर पानी भरने आई थी। अच्छा, बूढ़ा अपना वजन संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर उसकी मटकी पर गिर गया। मटकी टूट गई। अच्छा, फिर? बस इतनी सी जरा जुर्म पर काले राजा ने लाल बूढ़े को राजदंड सुना दिया। क्या? हाँ महाराज, यूं की बात ये है कि इस छोटे से जुर्म के लिए जान ले लेंगे वो लोग बूढ़े की। ये तुम क्या कह रहे हो घुन? लाल बूढ़ा मेरी बेहद प्रिय प्रजा है, काले राजा ने उसका सिर तराश दिया। सेनापति, सुनो सेनापति, फौरन फौज रवाना करो, कल सूरज डूबने से पहले काले राजा के सबसे प्यारे बंदे को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए, उसके बाद मैं भी देख लूंगा किसके सर का कितना मोल है। जाओ कूच करो। ये गिरी, अब बच के चलो, पकड़ो जल्दी। ठीक है।
घबराइए मत। आइए, ये रही आपकी मंजिल, फिर मिलेंगे। लोहित, ये करतूत मेरे बेटे लोहित की है? बहुत हैरत की बात है। यूं की बात ये है कि अगर लाल राजकुमार बाधा नहीं देते तो अब तक काली राजकुमारी आपके कब्जे में होती। लेकिन मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की क्यों? वजह है नाइंसाफी। नाइंसाफी? हाँ नाइंसाफी। आप मुझे बताएं कि राजकुमारी कृष्णा के किस कसूर पर आपके फौजी उसे पकड़ने गए थे? कसूर उसने नहीं किया, उसके बाप ने किया है। लेकिन इसके लिए कृष्णा को सजा क्यों? अगर हिम्मत है तो काला राजा को बंदी बनाएं। ठीक है, ऐसा ही होगा। मंत्री जाओ, काले राजा को बंदी बना कर ले आओ। महाराज, हुकुम भी दिया तो ये हुकुम दिया। क्यों? यूं की बात ये है कि काला राजा को बंदी बनाना कोई हंसी का खेल है, इतना ही आसान है। नहीं, उनके पास कितनी फौज है कुछ खबर है आपको? जंग छेड़ने से पहले ये देखना जरूरी है कि दुश्मन कितना ताकतवर है। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। लेकिन इस जंग की आखिर जरूरत क्या है? देखे राजकुमार, इसे कहते हैं राजनीति। अभी आप बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, कच्चे दिमाग को ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये सही नहीं है। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला फिलहाल मुझे ही करने दो। लोहित सुनो, गुन मुझे सारी खबरें चाहिए। इसके लिए हम हैं ना राजन। कैसी चाल चली है? अब बोलो, खेल के बताओ। महाराज तो तन मन धन से खेल में मगन। संजय गुन, शतरंज का है खेल, दिमाग बिल्कुल साफ कर देता है। हो जाए एक बाजी। ना हुजूर, वैसे मेरी भी सलाह आपको यही है कि ये नकली हाथी घोड़े प्यादों का खेल छोड़कर सचमुच की फौज की बागडोर संभाले। क्यों क्यों क्या हुआ? यूं की बात ये है राजा जी कि लाल बूढ़े की हत्या का बदला लेने के लिए लाल राजा अपने दल बल समेत आप पर हमला करने वाला है। क्यों, कहां, कब, कैसे? महाराज, इतना डरने से चलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो सब कमबख्त रक्त बीज के वंशधर हैं। दो मरते हैं तो दस पैदा हो जाते हैं। लाल का मतलब ही है काल, सब पंगपाल के झुंड है। भले हो वो पंगपाल, मैं भी चलूंगा ऐसी चाल, सबके सब होंगे बेहाल और आप माला माल। कब, कैसे? यूं की बात ये है सरकार, मेरे दिल में बड़ी साध है कि मैं चंदन के एक महल में रहूं। मेरा भी एक चंदन के होगा, जरूर होगा। तो ठीक है, तो फिर आप भी बेफिक्र हो जाए। आज रात महल के सिंगदार की सुरक्षा का जिम्मा मेरा, रात भर पहरा देगा मेरा दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? यूं की बात ये है शहंशाह, वक्त आने पर आप खुद देख लेंगे किसे कहते हैं शहमात। शुभ रात्रि राजन।
होशियार, होशियार भाइयों, कोई अनजाना शत्रु हमारे महल की ओर बढ़ते आ रहा है। हूँ तुम लोगों का दोस्त। दोस्त? हाँ, घून ने मुझे खबर दी। उसने बताया कि तुम लोग भयंकर मुसीबत में हो। इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। तुम सच कह रहे हो? इसका सबूत? तो सुनो मेरा किस्सा। एक दिन भयंकर भूख से व्याकुल होकर मैं पेड़ से नीचे उतरा और खाने की खोज में दरिया किनारे आ पहुंचा। उस दिन लाल चीटों ने मुझे इतना डंक मारा कि मेरा समूचा बदन, हाथ पांव फूल कर धूल हो आया। तभी से ये लाल चीटे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ये लाल चीटे तुम लोगों की तरह ही मेरे भी दुश्मन हैं। तुम लोग दरवाजा खोल दो, पूरी रात मैं पहरा दूंगा। दरवाजा खोल दो। मैं काम क्यों रहा हूं? क्या हुआ? खोलो। डरो मत, मैं तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं करूंगा। क्या जाने क्या लिखा है मेरे नसीब में। क्यों ये? कांपना बंद हो गया? क्या अपने हैं ये सारे? जितने हैं ये तुम्हारे उतने ही हैं हमारे। ये हवाएं ये फिजाएं गुनगुनाए हमेशा यूं ही। चाहते अपने हैं ये सारे। जितने हैं ये तुम्हारे उतने ही हैं हमारे। Thank you.
हुक्म यूं ही सदा हम चलते रहे, जाए जहां हम दीप दिलों के जलते रहे, होठों पे हंसी बाहों में खुशी सजती रहे, तेरी मेरी मेरी तेरी राहों में झिलमिल झिलमिल तारे, क्या अपने हैं ये सारे, जितने हैं ये तुम्हारे उतने ही हैं हमारे। महाराज, क्या किसी नाटक नौटंकी में भाग लेने जा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? बात की बात यह है हुजूर कि आपने ऐसी विचित्र पोशाक पहनी है, इसीलिए मैंने पूछा। गुन, अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। अरे भाई, ये जंग की साज पोशाक है, आज हम काले चीटों को जड़ से मिटा देंगे। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, लेकिन यूं की बात यूं है सरकार की, कालों को मिटाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि खुद आपकी ही खानदान की जड़ ना मिट जाए। मतलब आप लोग हमला करने वाले हैं, ये खबर पाकर आपके दुश्मन उस गिरखिट को काले राजा ने अपने महल के सिंह द्वार पर तैनात कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पर पहुंचे, गिरखिट आपको कटके और आपके फौजी वहां से सटके। तो उसका कोई उपाय? उपाय कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपकी बेइज्जती आखिर मेरी भी तो बेइज्जती है, इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। तो बताओ ना गुन। मुझे खबर ये मिली है कि कल गिरगिट काले राजा का दूत बनकर दरिया के उस पार डंक चीटों से मिलने जा रहा है, मतलब अपनी फौज की तादाद वादाद बढ़ाएगा, और क्या। सर्वनाश, ये तो मुसीबत पर और एक मुसीबत है। मुसीबत? मुसीबत कैसी राजन? मतलब मुसीबत तो चली। ये तुम क्या कह रहे हो गुन? सुनिए राजन, उम्र मेरी नहीं आपकी बढ़ गई है, यूं की बात की बात ये है कि आप भूल रहे हैं महाराज कि गिरगिट अगर काले राजा का दूत बनकर पैगाम लेकर निकल पड़े तो काले राजा का महल असुरक्षित होगा, बस, और आप उन पर हमला बोल दें और उन कालों को नेस्तनाबूत कर दें। सच्ची, तुम्हारी बुद्धि की तो तारीफ करनी चाहिए गुन। हाँ, लेकिन वैसे मैं कह रहा था कि नहीं, अगर नहीं हो सकता। बेशक बेशक। तो फिर आप ऐसा करें महाराज, कल आप युद्ध का बिगुल बजा दे। अब मैं चलूं, क्या करूं, मैं एक जान, बचे हैं इतने काम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ तुम गुन। महाराज की जय हो। हुजुम काला बांगा बिला, 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 हुजुम काला। जानते मेरा नाम घुन है, जिस किसी से एक बार चिपट जाता हूं उसे बुरकुस बनाकर छोड़ता हूं मैं। दोनों राजाओं में किसी को भी खबर नहीं कि मैं अगर उनके सिंहासन पर दांत गाड़ दूं तो उनका सब कुछ धूल में मिला सकता हूं मैं गुण।
इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ रहूंगा मैं, सिर्फ मैं। गुण, देखने में मैं छोटा मगर बड़े बड़ों के मुकाबले में बेहद भयंकर मैं गुण, बेहद खौफनाक मैं गुण। यहां सभी लोग मुझे अपना दोस्त समझते हैं। उन तमाम दोस्तों को भी इस बात का अंदाजा नहीं मुझ जैसा दोस्त हो तो दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुन यहाँ नहीं कोई आना, नहीं काम का कोई विराम, घुन का संगीत कोई नहीं, घुन की मौत कभी नहीं। गिरगिट भाई जल्दी पांव चला, ये इलाका ठीक नहीं लगता। ला 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 ओ ओ ला 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 ला। चिरंगो चिंतम, तुम कौन हो भाई और क्या लगता है रुकने को कह रहा है? खबरदार हिलना मत। हमारा रास्ता क्यों अटका रहे हो? ये अपुन का इलाका है, तुम दोनों हमारे सरदार के पास चलो, अगर सरदार कहेंगे तभी इस रास्ते से जा सकोगे। तो हमें देर हो जाएगी, हम जाएं। बात मत बढ़ाओ, यहाँ हमारा ही हुकुम चलता है। चलो चिचिंगे चिंकला। अरे बाप रे, ये किन चिचिंगे और चंगालों के चक्कर में पड़ गया भाई। अरे बाप रे, ये जंगलिया में कहां लेके आ गए? चुप रहो ना, सिर्फ देखते जाओ। मुझे तो लगता है ये चीटी खोर तुम्हें उबाल के और मुझे भून के खा जाएंगे। चिकिंग चे चे चितरा चिकरा चिंगल चिलाता चिचिंगे चिरंग चिंबो चत्रंग चिरिक के चक्कुस चरंबे चिरंग चित्तिर चाई चाई चौड़ंगी चाई दा चंबिया। तुम लोग जंगल से क्यों जा रहे थे? अरे जंगली चाचा इधर देखिए महाराज, वो लाल चीटों से हमारी जंग होने वाली है। एक तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है और हमारी तादाद ठहरी कम, इसलिए काले राजा का दूत बनकर हम डंग चीटों के डेरे पर मदद मांगने जा रहे थे।
काले चीते हमारे दोस्त है, इसलिए आप हमारे मेहमान है। चिरोके चथाए चूड़े चुरिया चिरा चिरंग चरोई चुपा चिरा चितंग चंडू चिता चंडू चिता चंडू चिता चंडू। गिरगिट भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं? लगता है ये लोग हमें कच्चा ही निकल जाएंगे। अब मुझे लगता है उन लोगों ने हमें अपना दोस्त मान लिया है। सुनो दोस्त, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। डांग चीतों को हम ही खबर देंगे कि वो चली फौज भेजे। अभी गिरगिट का वहां रहना बहुत जरूरी है। लाल चीते कभी भी हमला खाल सकते हैं। चिरंगो पिति, चिरंगो पिति, चिरंगो पिति, चिरंगो पिति। ये लोग क्या कर रहे हैं गिरगिट भाई? कहीं हमारी बलि देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? डरो मत, वो आपके दोस्त हैं। तुम्हें मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई, इसलिए आज रात तुम लोगों के साथ नाचेंगे गाएंगे। कल सुबह तुम लोग लौट जाना। चिचिंगे चिंकारा चिलंगा पिट्टी, चिचिंगे चिंकारा चिरंगो पिट्टी। चिरंगो पिट्टी, अरे बोल तो रहो, चिरंगो पिट्टी, चिरंगो पिट्टी, चिरंगो पिट्टी, चिरंगो पिट्टी। पास मत लगाना, पास मत लगाना, हाथ मत लगाना। मैंने कहा ना हाथ मत लगाना, हाथ तक ना। मेरा टूट गया, अबे हाथ छोड़ मेरा। झिंगुर की औलाद तेरी तो बात बात पे हाथ लगाता है, घर में बाप भाई नहीं है क्या? लो और सुनो, चिचिंगा चिंकाला। Mm-hmm.
इतनी देर तो उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। उन दोनों को भेजने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते तो शायद भला करते हैं। क्यों? इस वक्त अगर लाल चीटे हमला कर दें तो गिरगिट के अलावा आपको बचाएगा कौन? देखो घुन, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं राजपाट छोड़ दूंगा और कहीं जाकर छिप जाऊंगा। क्योंकि बात की बात यह है राजा साहब, मैंने खुसफुस में खबर सुनी है कि लाल चीटे आज हमला बोलने के लिए तैयार है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाय हाय, आप राजा हैं या डरी हुई प्रजा? इतने डरने की क्या बात है? अरे मैं हूं ना आपके साथ। लगता है वो लोग अब हम पर धावा बोलने ही वाले हैं। अरे कोई है वहां? अरे सिंह द्वार बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम मुझे ज्यादा नाटक मत दिखाओ, लाल चीटों को तुम नहीं जानते। खूब पहचानता हूँ हुजूर। उनकी फौज की तादाद कितनी है जानते हो? जानता हूँ। क्या तुम ये भी जानते हो कि हमारी फौज उनसे आधी है? ये भी जानता हूँ, इसीलिए पक्का इंतजाम भी करके आया हूँ। कैसा इंतजाम? टर्टर गैंग। टर्टर गैंग? जी हाँ, टर्टर गैंग, पूरी तैयारी है। देखो गुम, ऐसी विपदाओं के वक्त तुम मुझसे इस तरह का मजाक मत करो। राजमहल का सिंह द्वार पार करके ये लाल चीटे यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। पर उसे रोकेगा कौन? तुम? यूं की बात ये है कि चलिए आप अपनी आंखों से ही देख लें। आइए। जाओगे या मैं आगे बढूं? मुझे तो भूख लगी है। धन्य धन्य, क्या खूब तमाशा है। वाह वाह महाराज। बोलो बोलो। तो फिर मेरा चंदन का महल याद है ना? याद है याद है। बन जाएगा बन जाएगा, तुम्हारा चंदन का महल जरूर बन जाएगा। महाराज की जय हो। खामोश, एकदम खामोश रहो। शर्म नहीं आती? पीठ दिखाकर जंग के मैदान से भाग आए, उस पर से बड़ी बड़ी बातें। महाराज मेरी बात तो सुने, राजमहल के सिंह द्वार पर मेंढक बैठा था। मेंढक? मेंढक कहां से आमरा? महाराज यदि आज्ञा दें तो एक बात कहूं। ठीक है बोलो। हम आज आक्रमण करेंगे, इसकी खबर काले राजा को कैसे हुई? मैंने अपनी आंखों से देखा है, घुन उस समय काले राजा के पास ही खड़ा था। लगता है वही हमारी सारी खबरें पहुंचाता है। यूं की बात ये है महाराज, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ घुन? तुम काले राजा के दल में शामिल हो? यही होता है राजन, यही होता है। दांत रहते भला कोई दांत की कदर करता है?
कहां मैं आप लोगों की फिक्र में रात दिन आंखों आंखों में गुजार रहा हूं और कहां आप मुझ पर ही। लेकिन मेरे सेनापति का तो यही कहना है। क्या कहा उसने? मैं यही कि तुम हमले के वक्त काले राजे के साथ अड्डेबाजी कर रहे थे। ये तो निरे मोटे दिमाग का बंदा है, खा खा कर मोटिया गया है, भेजे में चर्बी जम गई है। ऐसी ही बुद्धि रही तो ये लड़ने से रहा हुजूर, बेहतर है कि आप इससे अपने जूते चमकाएं। क्योंकि बात की बात ये है सरकार कि मैं वहां गया जरूर था, लेकिन गया था खोज खबर लेने, ये पता करने कि काला राजा इस वक्त कौन सा जाल बुन रहा है। वो लोग चाहे जितना भी जाल रचे घुन, मैंने एक ऐसे जाबाज को तलब किया है जिससे पार पाना मुश्किल है। कौन कौन है वो महाराज? विश्वकर्मा का बेटा 42 कर्मा। उम्र में भले ही कम हो लेकिन यह विराट वैज्ञानिक लड़का है, विराट जंगबाज। ये तो मैं समझ गया हुजूर, लेकिन यूं की बात यह है कि वो आपको इस मुसीबत से बचा पाएगा? उसे आने तो दो, खुद ही देख लेना, तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। गरज घटा घटा दुनिया से बनवारी चारों से कर आज मुरारी, कृपा करो गिरधारी, चमत्कार 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 गणन गणन बर से बनवारी, गणन गणन बर से बनवारी। हाँ तो बताओ 42 कर्मा, मुझे इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा? भुष मंत्र मारे और सारी समस्या भुष। महाराज मैंने एक ऐसी दवा बनाई है जिसे पीते ही भुष मंत्र से दुश्मन भुष।
आपके चीटों के पर निकल आएंगे पर। गजब, क्या सच है? उस मंत्र भुस की खुद ही जांच कर ले महाराज। देख ही लीजिए, अगर हुक्म करे तो मैं नमूना पेश करूं। अरे कोई है यहाँ? हाजिर हो। ए तुम आओ, चलो। ये शर्मनकी परजीन परजीन या जीन परजीन बने आने ये यार का रहा जब रहीं दे रहीं दे फुंदे ने वाडे पानी रहीं कर जाके चक्कर फुंदे यार ने पोड़ आ आ आ आ ये अच्छा कुछ मंदर रा ये होश होश मंदर पियो 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 क्या हो गया क्या? ये गजब गजब की बात है। क्यों जी घुन, क्या समझी? यो की बात ये है सरकार की, क्या ये सही है? अरे ये कैसा सवाल है घुन, जरा सोचा है? इस किस्म के पंखदार सैनिक मिल जाए तो हमसे भला कौन जीत सकता है? लेकिन राजा साहब, आप ही के तो शास्त्रों में लिखा है, पिपलिका के उगे नहीं पंख कि मरे वो संग संग। लगता है पी ली है तुमने भंग। ये सब सड़ी कली पुरानी पोतियां उठाकर फेंक दो सेनापति। महाराज, आज रात ही हमारी पूरी फौज जादूगर की ये जादू दवा पीकर तैयार हो जाए। जो आज्ञा महाराज। कल आकाश पथ से हमला होगा। मंतार, कुछ नहीं होगा तो? नच धिन 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 ता, अब नहीं कोई चिंता। नच धिन 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 ता, मन भर खाओ मीठा, अब नहीं कोई चिंता। अरे वाह महाराज, आप तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश नहीं होऊंगा? अब डंक चीटों ने मुझे मदद करने का वचन दिया है, तब हमें भला कौन हरा सकता है? एक तरफ गिरगिट और एक तरफ मेढक, और बीच में रहेगी मेरी चीटों वाली डंग की फौज। वाह वाह, क्या कहने हैं? इस धरती पर मैं ही हूं राजा, एक छत्र राजा। सच कहा महाराज, लेकिन जंग अगर धरती पर हो तब ना। मतलब? यूं की बात ये है महाराज कि मेरे दूत ने मुझे खबर दी है कि लाल चींटे आकाश मार्ग से हमला करने वाले हैं। लो हो गया बंटाधार, तुम क्या 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 कह रहे हो? ओफो, आपने तो मुझे अपनी बात ही पूरी करने नहीं दी। आकाश मार्ग से? अब क्या रह गया? मेरा राजपाट गया, मेरी हुकूमत गई। अरे ऐसे ही चली जाएगी महाराज, किसने कहा आपको? आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूं राजन, आप मेरी बात तो सुने। अरे नहीं, अब और कोई उपाय नहीं गुन, कोई राह नहीं बची, कोई राह नहीं बची। तुम हो जो सो नादान, झाड़ते रहते हो सिर्फ व्याख्यान, जैसे हो कोई नेता महान। अब कह ले जो मुंह में आता, लेकिन मैं ही हूं आपका त्राता। मैंने जो बिछाया है जाल, ध्यान से सुने मेरी गहरी चाल। बोलो। यूं की बात ये है सरकार, आते समय मैं 100 छातेदार पंछियों को न्योता दे आया हूं। उनसे मैंने कहा
कि आज तुम लोगों का भोज है। आसमान में जो कुछ भी उड़ते हुए देखना, झटपट कटक लेना। गुन, अरे भारत तुम्हें के फेल है। कोई भी कोशिश काम नहीं आई, हम हर बार नाकाम रहे। तभी कहा था मैंने राजन, नाकाम रहेगी ये तरकीब। लेकिन कहां सुनी थी तब आपने जो मैंने की थी तजवीज? आसमान में छाता पाकी और जमीन पर क्रिकेट और मेंढक, हमला करूं भी तो कैसे? हमले की जरूरत ही क्या है? एक मामूली सी बात को आप सब युद्ध की शक्ल क्यों दे रहे हैं पिताश्री? लोहित, हम लाल चीटों के वंशज हैं। हमारे लिए हमारी नाक, हमारा मान सम्मान ही सबसे बड़ा है। एक बात और भी है कुमार, अब अगर जंग रोक दे तो काले तो यही समझेंगे ना कि हम लाल कमजोर हैं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती मैं इस राजमहल का परित्याग करता हूं। मैं चला। कहां? जहां किसी तरह की जंग ना हो, जहां शांति विराजती हो। वाह, आप सुनिए हुजूर, काले राजा का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का एकमात्र उपाय बचा हुआ है, गेहुवन सांप। कृष्णा
दासी कहिए। इस फल के रस को राजकुमारी जी को पीने को कहो। राजकुमारी का मन उदास है, सुबह से अब तक उन्होंने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया है, खाने की तरफ से तो एकदम मन ही उचट गया है। इस तरह तो शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। एक बार फिर समझा कर देखो। कृष्णा, कहाँ हो तुम कृष्णा? मुझे नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझ पर मेहरबानी करो, कुछ देर अकेली छोड़ दो मुझे। जाओ। कृष्णा, यहाँ जाओ, छुप जाओ। लेकिन सुनो, क्या हुआ छोटी रानी? क्या हुआ? कितनी कसकर नींद आ रही है। हाय माँ, तुम जाओ। अच्छा, सबसे कह दो इस वक्त मुझे कोई तंग ना करे, मैं जरा सो लूं। कृष्णा, तुम यहाँ क्यों आए? कोई किसी भी पल यहाँ आ सकता है। तुम जाओ, कोई तुम्हें देख ले, इससे पहले तुम ये जगह छोड़ दो। जाओ, मेरी बात सुनो। जाओ ना। नहीं जाऊंगा। मेरा कहना मानो राजकुमार, ना। कल ही युद्ध का बिगुल बजने वाला है। महल की चारों तरफ हमारे सैनिकों का कड़ा पहरा है, सब तरफ लोग चौकन्ने हैं, तुम्हें देखते ही बंदी बना लेंगे। कृष्णा, तुम क्या चाहती हो? क्या ये जंग हो? ओ, मेरे जाने न जाने की अहमियत ही क्या है? मैं न भी चाहूं तो क्या युद्ध रुक जाएगा? तो चलो, हम यहाँ से चलते हैं। कहाँ? जहाँ कोई जंग नहीं होती। लेकिन जहाँ सिर्फ शांति विराजती है। वाह लोहित, मैं इस जंग के विरोध में अपना महल त्याग कर आया हूँ। कृष्णा, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं जानता हूँ तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ लोहित। कृष्णा, क्या गेहूं सांप? हाँ, वही तो सुना है हुजूर। तब तो अब कोई उम्मीद नहीं बची। कुन, सच ही तो है। तेरे की लानत है तुम पर, लानत है। फिर मैं यहाँ क्यों बैठा? सच ही तो है। इससे तो अच्छा है मैं तीरथ पर जाने की तैयारी करूँ। हाँ महाराज, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अब सोचने से क्या फायदा, कल तो युद्ध छिड़ ही जाएगा। सच ही तो है। वो कमबख्त गेहूं सांप आते ही पहले मेढक को हड़प जाएगा, बस फिर क्या, उनकी जीत का रास्ता साफ। सच ही तो है, हम खड़े खड़े हार जाएंगे। हाँ सच ही तो। तेरे की ये तुमने क्या सच्ची तो है लगा रखा है। अरे कुछ तो कहो, कोई तो राह दिखाओ। क्योंकि बात की बात ये है राजन, कि तब से आप ही बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ कहने दें तब ना। अच्छा बोलो। क्योंकि बात की बात ये है राजन, कि बाप का भी कोई बाप होता है। मतलब? मेरे रहते क्या मैं आपको हारने दूंगा? क्या ये इतनी आसान बात है? गेहूं सांप जुटाकर अगर वो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि किला फतेह कर लेंगे, तो मैं उनके गुड़ पर रेत डाल दूंगा। क्या क्या कह रहे हो, कैसे? मैं गेहूं सांप का बाप लेकर आया हूं। ऐसा कौन बाका लड़ाकू है? नेवला। कहां है वो? राजन, यूं की बात की बात यह है कि अब आप सिंहासन के पीछे से तो निकले और मेरे साथ चलें। Thank you.
सब होगा नष्ट, होने को है बुद्धि भ्रष्ट। गुस्सा भरे दोनों ही दल, चुप है हवा रोता है जल, चीखे उठी फौजे बढ़ी, कोई लुटेगा कोई मरेगा, हे चलेंगे काल पड़ेगा। चले चले हाय चले, बढ़े बढ़े हाय बढ़े, लाल काले लाल काले लाल काले लाल काले। लड़ाई बंद करो। तेरी मजाल, किसके हुक्म से तूने मुझे डंक मारा? बता कौन है वो? मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। मैंने ही उन्हें हुक्म दिया था कि तुम दोनों को इस लड़ाई से रोके। तू? हाँ मैं। अब ये युद्ध लाल काला चीटे चीटियां तक ही सीमित नहीं रह गया है, इसमें सांप नेवला मेंढक छातेदार पंछी गिरगिट सभी शामिल हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये लड़ाई रोकनी पड़ी। लड़ाई रोकने वाला तू होता कौन है रे? मुझे बताओ तुम लोग आखिर लड़ क्यों रहे हो? हमारी काली बहू के साथ इस लाल राजा की प्रजा ने बदतमीजी की है। उसके बदले में इस काले राजा ने मेरी प्रजा का सिर काट दिया। हाँ काट लिया। तुम लोग ठहरे राजा, कोई भी फैसला करने से पहले तुम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले किसी भी घटना का अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। सुनी सुनाई बात पर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वह गलत भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह की जानलेवा गलती तुम दोनों भी करने जा रहे थे। अरे भाई, वो लाल बूढ़ा मरा नहीं है, आज भी वे मेरी हिफाजत में सही सलामत जिंदा है। कहाँ था? सब ठीक है तो? फिर वो सिर? वे तो राजा के सिपाही को बचाने के लिए, ये जो मैंने अपने जाले में अनगिनत पापी तापियों के मुंड लपेट रखा है, उन्हीं में से एक था जो मैंने तुम्हें भेज दिया था। मेरे इस जाले में सिर्फ पापी तापी ही सजा पाते हैं। जो लोग भले और शरीफ होते हैं वे लोग नहीं। अब जरा सोच कर देखो, तुम लोग कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे, और इन सब की जड़ है ये कुचक्री घुन। अपना मतलब हासिल करने के लालच में यही कमबख्त तुम दोनों के कान में गलत सलाह फूंकता रहा और तुम लोगों को भड़काता रहा। देखो,
तुम दोनों का रंग भले अलग अलग हो लेकिन तुम लोगों की जात एक है। तुम दोनों के बीच दरार डालने वाला यही बदमाश घुन है। कहाँ है वो बदमाश? वो भाग का गया। उसे हमारे हवाले कर दो। उस शैतान ने हमारी सुख शांति सब भंग कर दी। कहाँ है वो घुन? वे भी मेरी हिफाजत में है। कहाँ से टपके मखड़ा भाई? अरे अरे मुझे क्षमा कर दो। तुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। छोड़ दो तुझे। मुझे छोड़ दो भैया। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी को तेरी वजह से मेरा भी बेटा मुझसे दूर चला गया। तुमने ही हम दोनों में दुश्मनी का जहर भरा। तूने हमारा सुख चैन सब तबाह कर दिया। अरे राजा मुझे माफ कर दो। अरे महाराजा धीराज मुझे माफ कर दो। माफी? हम उसे सजा देंगे। उस कमबख्त ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उसे वो सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। उसको उचित सजा मैं ही दे दूंगा। जिस सुख शांति की तलाश में तुम्हारे राजकुमार और राजकुमारी गए हैं, तुम दोनों अपने देश में वही सुख वही शांति लौटा लाओ। पर वो दोनों हैं कहाँ मकड़ा भाई? हाँ हाँ मकड़ा भाई, बताओ ना वो दोनों कहाँ हैं? उन दोनों ने तो वचन दिया था जब जंग रुक जाएगी तो वे दोनों लौट आएंगे। तुम लोग विजय का जश्न मनाओ। भगवान करें तुम दोनों की दोस्ती अटूट और मजबूत रहे। दुख सुख अपने है हर मन में आशाएं। मिलजुल के सजाओ सपने, तोड़ा न घर अपने। Let's be one world, we are one world. Let's be one world, we are one. का घेरा छोड़ो ये रंग की बातें। हर दिन है सूरज वाला है चांद की सारी रातें। मिलजुल के सजाओ सपने, तोड़ो न घर अपने। Let's be one world, we are one world. पर्वत से होती है हवाएं सबकी। पंछी ने कहा अंबर से, दुनिया है एक ही रब की। मिलजुल के सजाओ सपने, तोड़ो न घर अपने। Let's
1